आज हम बना रहे हैं चावल और दूध से बनी एक इजी रेसिपी। इसमें चावल को 5-10 मिनट भिगो के अच्छे से दरदरा पीस लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने चावल को एकदम दरदरा पीसा है। और पीसने के बाद दूध उबाल आ जाए तो फिर उसको डायरेक्ट उसमें डाल दीजिए। चावल को उसमें डालने के बाद थोड़ा देर पकने दीजिए, आधा पक जाए उसके बाद चलाइए। चलाने के बाद उसको थोड़ा पकने दीजिए। जैसे ही आधा चावल पक जाए तो उसके बाद आप उसमें चीनी ऐड कर दीजिए। चीनी डालने के बाद उसको अच्छे से चलाइए ताकि चीनी और चावल अच्छे से एक साथ घुल जाए। और उसके बाद उसको 10 मिनट तक उबाल आने दीजिए। जब चावल और चीनी अच्छे से घुल जाए और देखिए कि चावल एकदम अच्छी तरह से पक जाए, तो उसको अच्छे से चलाते हुए उसको उतार लीजिए। उतारने के बाद आप उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। हमारे घर के बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हमने नहीं डाला। आप डाल दीजिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें इलायची पाउडर भी आप डाल दीजिए। हमने भी डाले हैं लेकिन नहीं दिखा पाए। उसके बाद आप उसको अच्छे से, बच्चों को पसंद आती है क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।